वेलकम टू ताजमहल। हम लोग जिस गेट से एंट्रेंस किए, दिस गेट नेम इज वेस्ट गेट, सेकंड गेट नेम इज ईस्ट गेट, थर्ड गेट नेम इज साउथ गेट। प्रेजेंट टाइम थ्री गेट एंट्रेंस, थ्री गेट, टू गेट एग्जिट, वन गेट ओनली एग्जिट। ठीक है, वेस्ट गेट, ये साउथ गेट ये क्लोज है क्या? ओनली एग्जिट टाइम 5 PM क्लोज। ये ईस्ट गेट, एक और गेट को उधर, एक गेट नॉर्थ गेट, नॉर्थ गेट। ये एंट्रेंस है क्या? एंट्रेंस, ये फोर कोर्ट एरिया, फोर कोर्ट, फोर साइड 400-200 रूम, फोर साइड कवर एरिया, फोर कोर्ट एरिया। ठीक है, चलेंगे। फाउंटेन इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि ताजमहल इज कम्प्लीट ईयर 1653। ठीक है, सो 16 गार्डन, 53 फाउंटेन, 53 है फाउंटेन स्टार्टिंग टू लास्ट। मुमताज दे 1630 सिक्स मंथ, उनकी डेड बॉडी को सिक्स मंथ मम्मी बना के रखा। टाइम इज स्टार्टिंग 1631, कंप्लीट ईयर 1653। 1653 माइनस 1631 इक्वल टू 23, इक्वल टू 22 ईयर्स। फुल कैलकुलेशन, वो क्या 22 क्या? दो इलेवन डोम, 1, 2, 3, 4 इलेवन डोम दिस साइड, इलेवन डोम बैक साइड, टाइम इज कंप्लीटेड 22 ईयर्स। फुल कैलकुलेशन, वी थिंक 22 ईयर्स, लाइक 22 ईयर्स कंप्लीट होने को था, इसीलिए टाइमल 1653 में कंप्लीट हुआ, 1631 में स्टार्ट हुआ। 1653 माइनस 1631 इज इक्वल टू 22 ईयर्स। ओके फाइन, ये क्या आप लोग बन रहे हैं, ये मैक्स आप बन रहे हैं, वो बोला टूरिज्म, टूरिज्म टूरिज्म ट्रेनिंग में दिया। ओके, तो टाइमल टाइमल को डिजाइन करने के लिए थ्री आर्किटेक्चर्स को बुलाया। फर्स्ट आर्किटेक्चर उस्ताद ईसा अफंदी फ्रॉम पर्सिया, जिन्होंने पूरे ताजमहल को डिजाइन किया। सेकंड अमानत खान ससी फ्रॉम ईरान, जो कुरान क्या देखते हैं दूर से देखने में लगता है किसी कलर पेंट से डिजाइन किया। इसको किसी भी कलर पेंट से डिजाइन नहीं किया, इसको उस ब्लैक ओनिक्स स्टोन्स पर डिजाइन किया जिस स्टोन्स पर ज्वेलर्स लोग गोल्ड चेक करते हैं। थर्ड पर्सन उस्ताद लाहौरी फ्रॉम लाहौर, जितना भी ताज पे फ्लावर देते हैं सारा फ्लावर कलर पेंट नहीं, ये सारा फ्लावर सेमी पेस स्टोन जो हम लोग रिंग्स में यूज करते हैं। अगर ये कलर पेंट होता तो सारा बारिश में धुल धुल के मिस हो जाता। ये कलर पेंट नहीं है, सारा सेमी पेस स्टोन है, जो एजिट है जैसे 400 साल पहले था वैसा आज भी है। So, वो क्या ब्लैक कलर है? हाँ, ब्लैक स्टोन से जो कुरान का आयत लिखा है थ्री साइड गेट, थ्री साइड होली बुक कुरान लेटर अरबी लेटर्स। ओके ओके, वो एंट्रेंस में है, एंट्रेंस में इनसाइड एंड स्मॉल गेट एंड बिग साइड टॉप, थ्री साइड, थ्री साइड। ताजमहल को कंप्लीट करने के लिए पहले रेड स्टोन से कंप्लीट किया, रेड स्टोन को कंप्लीट करने के बाद व्हाइट मार्बल से कंप्लीट किया। ओके, व्हाइट मार्बल के मिडल वाला पॉइंट जहाँ सब लोग स्टैंड किया हुआ है, इसको बोलते हैं वीआईपी चेयर। ठीक है, इसको वीआईपी चेयर क्यों बोलते हैं? शाहजहां यहीं बैठ के ताजमहल देखते थे। जब शाहजहां यहाँ बैठकर ताजमहल देखते तो क्या होता, शायन आते थे,
फाउंटेन चलते थे okay. उस टाइम पे कोई साउंड म्यूजिक नहीं था, तो शायन के वेलकम के लिए ड्रम बजते थे. तो दिस बिल्डिंग एट दिस बिल्डिंग ड्रम हाउस, इन दोनों साइड ड्रम बजते थे और शायन यहाँ बैठ के ताई मिलते थे, इसको बोलते वीआईपी चेयर. और आज भी जो वीआईपी आती है, जो सारे सेलिब्रिटी आते हैं, वो यही बैठ के पिक्चर लेते हैं, इसको बोलते हैं सेलिब्रिटी पॉइंट. एंड इसको बोलते हैं वीआईपी चेयर एंड सेंट्रल पॉइंट इन ताजमहल.